आज संडे था तो संडे को स्पेशल हम लोग चिकन या मटन बनाते हैं और खाते हैं। तो फिलहाल सुबह सुबह मटन हमको नहीं मिला, आप देख सकते हैं ये हमको चिकन मिल गया है। क्या ही मस्त टंगरी वाला, लंबा लंबा टंगरी वाला चिकन मिल गया हमको। आज हमारा चिकन और चावल दोस्तों बनेगा। दोस्तों ये देख सकते हैं तेल में मैंने प्याज डाल दिया हूँ और क्या ही मस्त तरीके से फ्राई हो रहा है। 1 किलो हमारा चिकन है और बहुत ही फ्रेश चिकन है, एकदम दिया ताज़ा काट के। बढ़िया से हम लोग मसाला के साथ में ही चिकन को भी फ्राई करेंगे। दोस्तों हमारा चिकन पूरा रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसमें धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धनिया पत्ता भी हमारा कटिंग होकर चला जा रहा है इसमें चिकन में। और चिकन हमारा बहुत ही यूनिक और एकदम मसालेदार बनाए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए ट्रैकिंग ब्लॉक में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि फाइनली हम लोग 2 बजे रात में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर पहुँच चुके थे। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉक अभी से शुरू हो रहा है। तो अभी सुबह में 8 बजे एजेंट आया था और पेपर लेके चला गया है, और आज संडे का दिन भी है तो आज तो छुट्टी का दिन रहता है। अब देखते हैं पेपर लेके गया, अगर गाड़ी पास हो जाएगी तो शाम तक नेपाल भी हम लोग चले जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग का खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इधर चावल हमारा बन चुका है, क्या ही मस्त परमल चावल बन चुका है इधर। और आज संडे था तो संडे को स्पेशल हम लोग चिकन या मटन बनाते हैं और खाते हैं। तो फिलहाल सुबह सुबह मटन हमको नहीं मिला, आप देख सकते हैं ये हमको चिकन मिल गया है। क्या ही मस्त टंगरी वाला, लंबा लंबा टंगरी वाला चिकन मिल गया हमको। तो आज हमारा चिकन और चावल दोस्तों बनेगा। एक ट्रक ड्राइवर का ज़िंदगी जो है वो पूरा रोड पर गुजरता है और गाड़ी पर गुजरता है। हमारा घर द्वार, रहना सहना, खाना पीना सारा गाड़ी में ही होता है। और कहीं भी हमारा गाड़ी अगर ख़राब हो जाता है तो वहीं हम लोग बगल में सारा सामान निकाल के खाना पीना बनाते हैं, यही गाड़ी में सोते हैं, यही खाते हैं। तो अगर ड्राइवर भाई लोग मटन चिकन मछली नहीं खाएगा तो उसका गाड़ी चलेगा ही नहीं। इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि पैर से एक्सलेटर दबाना पड़ता है, एक्सलेटर दबाते दबाते पैर में दर्द हो जाता है। तो ये जो मटन चिकन जो मछली जो है ये सारा कैल्शियम और विटामिन को पूरा करता है, मैनेज करता है। इसके वजह से ट्रक ड्राइवर 18 से 20 घंटा तक रेगुलर गाड़ी चला सकता है और मात्र 6 घंटा 4 घंटा ड्राइवर भाई सोता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं चिकन हमारा आ चुका है और मैंने फ्रेश चिकन कटवा के, जिंदा ताज़ा कटवा के बनाया हूँ। आज हम लोग बहुत ही यूनिक तरीके से इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्याज लहसुन मिर्चा को पहले तेल में बढ़िया से फ्राई करेंगे और मसाला को भी पहले बढ़िया से भून लेंगे, उसके बाद हम लोग चिकन डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब कढ़ाई चढ़ाते हैं और तेल गर्म करते हैं। दोस्तों हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है चिकन बनाने के लिए। तो फिलहाल अब हम लोग इसमें तेल डालेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने डब्बू कलछुल ले लिया हूँ, इसमें भर भर के पूरा सरसों तेल इसमें डाल देंगे। ये देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया सरसों तेल और अब हमारा बनेगा एकदम स्पेशल चिकन करी, मसालेदार और तेल के साथ में। तो फिलहाल अभी तेल को गर्म होने देते हैं। हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है और ये देखिए मैंने तेजपत्ता डाल दिया हूँ। अब इसमें हम लोग प्याज डालेंगे और ये देख सकते हैं आप प्याज लहसुन मिर्चा का कुटा हुआ टमाटर। तो सबसे पहले हम लोग प्याज डालेंगे और प्याज को पूरा लाल करेंगे तेल के साथ में, सरसों तेल के साथ में। ये देखिए हमने प्याज डाल दिया हूँ और इसको बढ़िया से एकदम फ्राई करेंगे। पूरा प्याज को गलाना है तेल में तब चिकन का स्वाद मिलेगा मस्त। दोस्तों ये देख सकते हैं तेल में मैंने प्याज डाल दिया हूँ और क्या ही मस्त तरीके से फ्राई हो रहा है। तो कम से कम भी 10 मिनट टाइम लगेगा इसमें पूरा प्याज को गलने में। तो ठीक है पहले प्याज को गलाते हैं हम लोग। दोस्तों ये देख सकते हैं तेल में हमारा क्या ही मस्त प्याज लाल हो चुका है, एकदम प्याज गल गया है। अब इसमें लहसुन और मिर्चा का जो कुटा हुआ है वो डाल दे रहे हैं इसमें और इसको भी बढ़िया से फ्राई करेंगे तेल के साथ में। तो ये देख सकते हैं प्याज लहसुन भी मैंने डाल दिया हूँ और हरा मिर्च भी, अब तीनों को एक साथ में तेल के साथ में फ्राई कर रहे हैं। अब इसमें जो है सारा मसाला मैंने डाल रखा है, गोलकी जीरा, गरम मसाला, चिकन मसाला, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च,
सारा मसाला मैंने इसमें घोर के डाल दिया हूँ। अब थोड़ा सा 5 मिनट इसको और बढ़िया से भून लेते हैं, उसके बाद ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं सारा हमारा मटेरियल बढ़िया से तेल में गल चुका है, फ्राई भी हो चुका है। अब हम लोग मसाला वगैरह डाल दे रहे हैं इसमें। ये देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया हूँ। अब मसाला को बढ़िया से प्याज लहसुन मिर्चा के साथ में, तेल के साथ में बढ़िया से मसाला को भी बढ़िया से फ्राई करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं क्या ही मस्त एकदम मसाला हमारा दिख रहा है फ्राई होने के बाद। ये पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम लोग टमाटर डाल दे रहे हैं, टमाटर को भी गला लेंगे, उसके बाद हम लोग चिकन डालेंगे इसमें। तो फिलहाल टमाटर को भी गलने देते हैं मसाले के साथ में। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा पूरा मसाला रेडी हो चुका है। अब हम लोग चिकन इसमें डालेंगे। चिकन 1 किलो हमारा चिकन है, अब बहुत ही फ्रेश चिकन है, एकदम दिया ताज़ा काट के। अब इसको बढ़िया से हम लोग मसाला के साथ में ही चिकन को भी फ्राई करेंगे। ये देखिए क्या ही मस्त मसाला भुन गया हमारा और पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसको चिकन को सिर्फ भूनना है, जितना भूनेंगे उतना ही चिकन का स्वाद बढ़ता चला जाएगा। क्या ही मस्त कलर में आता जा रहा है हमारा चिकन करी। और पहले मैंने पूरा मसाला को फ्राई किया था, उसके बाद चिकन डाला था। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर और अच्छा लग रहा है देखने में। तो फिलहाल अभी और इसको 10-15 मिनट तक बढ़िया से फ्राई करेंगे तेल के साथ में और मसाला के साथ में, तो हमारा चिकन करी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है। आज धर्मेंद्र जो है उंगली चाट चाट के खाएगा चिकन। दोस्तों देख सकते हैं क्या ही चिकन हमारा कितना ही मस्त एकदम बन चुका है। अब हम लोग इसमें चिकन मसाला डाल दे रहे हैं। एकदम आज मेरा चिकन लटपट रहेगा, मतलब ग्रेवी बहुत कम रहेगा। आज हम लोग मसाला और चावल के साथ में चिकन खाएंगे। दोस्तों हमारा चिकन पूरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं धनिया पत्ता भी हमारा कटिंग होकर चला जा रहा है इसमें चिकन में। तो चिकन हमारा बहुत ही यूनिक और एकदम मसालेदार बनाए हैं। और हमारा चिकन रेडी हो गया है। अब हम और धर्मेंद्र भाई आराम से चिकन करी को खाएंगे। ये देखिए मैंने ग्रेवी भी कम रखा हूँ, एकदम सूखा सूखा बनाया हूँ। दोस्तों दिन के 11 बज चुके हैं और ये देखिए हमारा खाना निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम लोग बिहार वैशाली में चावल ले लिए थे, तो ये परमल चावल है। फिलहाल धर्मेंद्र निकाल रहा है और ये देख सकते हैं हमारा चिकन जो है, चिकन और चावल आज हमारा खाना हो रहा है। आज एकदम मस्त चिकन खाना है दोस्तों। तो अब हमारा चिकन निकल रहा है। दोस्तों हमारा खाना तो निकल ही चुका है और आप देख सकते हैं क्या है चिकन बना है हमारा। चिकन और चावल का मजा ही कुछ अलग है। और ग्रेवी भी एकदम सूखा रखे हैं हम लोग, धनिया पत्ता वगैरह सारा डाल दिए थे। ये देखिए क्या है ग्रेवी मस्त बना है, बहुत ही सुंदर बना है। दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा चिकन मेरा पूरा ये हो गया है, मस्त ही एकदम गल गया है। ये देख सकते हैं, ये देखिए तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है चिकन आज, क्योंकि बहुत ही यूनिक और अलग ढंग से आज मैंने चिकन बनाया। एकदम खा के मजा ही आ जा रहा है।
और ये देख सकते हैं पोटा कलेजी क्या ही मस्त बना एकदम। लाजवाब बना है दोस्तों। आज हम लोग को मटन खाने का मन था लेकिन संडे में सुबह सुबह मिलता नहीं है मटन, तो चिकन ही लिया है। बाकी कल मंडे है, अगर कल मटन मिलेगा कल मटन ही बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं। दोस्तों तो आज हमारे भैया ने बनाया है चिकन करी, देख सकते हैं कितना ही मस्त। ये देखिए हमारा लेग पीस, खाने में क्या ही मजा आ रहा है दोस्तों। भैया आज स्पेशल तरह से बनाए हैं, अपने से चिकन लेके आए, बोले कि आज तुमको धर्मेंद्र स्पेशल तरह का खिलाएंगे बनाकर चिकन करी। ये देख सकते हैं मसाला और लाजवाब लग रहा है दोस्तों। ये देखिए कलेजी, मन कर रहा उंगली चाट चाट के खा जाए। ये देखिए दोस्तों वीडियो में बने रहे। दोस्तों दिन के 4 बज रहे हैं और हम लोग खाना खा के दोपहर में सो गए थे, तो फिलहाल हम लोग 2 बजे उठे और जाके बगल में ही जहाँ गाड़ी हमारी जाम में फंसी हुई है उसी के बगल में सैलून दुकान था, तो वहाँ जाके मैंने बाल और दाढ़ी भी बना लिया हूँ और नहा भी लिया हूँ। तो यहाँ पे जो है इस बॉर्डर पे लगभग 10-15 किलोमीटर का लंबा जाम था, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता से आया तो लगभग हमको 4-5 किलोमीटर का ही जाम मिला। तो फिलहाल अभी हम लोग बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, मुश्किल से हम लोग 2 किलोमीटर पीछे हैं। और आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र जो है ये भी इसको भेजे थे बाल और दाढ़ी बनवाने के लिए, तो ये देखिए अब इसी से पूछिए ये क्या क्या करके आया है। दोस्तों मैं गया था बाल दाढ़ी के दुकान पे, तो वहाँ मैंने बोला कि भैया बाल काट दो, तो ठाकुर ने बोला कि बाबू तेरा बाल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बाल छिलवा लो अच्छा रहेगा। तो हम बोले भैया ऐसा बात है तो छील दीजिए अच्छा रहेगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने बाल छिलवा लिया है, और बाल छिलवाने के बाद दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा था जब पानी डाल रहा था पूरा एकदम ठंडा ठंडा। ये देखिए दोस्तों मुंडन करवा लिया, ये टकलू बन गया अभी बाल छिलवाया तो टकलू बन गया दोस्तों, इसको टकलू महाराज का नाम दे दिया जाए। तो दोस्तों हमने बाल छिलवाया तो अब देख सकते है कितना फ्रेश लग रहा है, हवा बह रहा तो अच्छा लग रहा है। अब पानी जब डाल रहा था तो उस टाइम गजब गुदगुदी हो रहा था, कह नहीं सकते दोस्तों। बाल छिलवा लिए, चलिए बाल छिलवा लिए अच्छा हुआ, एक तरह से गर्मी भी लग रहा था, अब ठंडा का दिन है तो टोपी पहन के रहेंगे। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और हमारा खाना बनाने का प्रक्रिया चालू हो गया है, तो देख सकते हैं रोटी बना रहे हैं, 2-4 रोटी हमने सेक लिया है। और हमारा दिन का चिकन है तो आज वही चलेगा। और भाइयों क्या बोले, हम लोगों का लाइन तो बढ़ ही नहीं रहा, बहुत देर से रुका हुआ है, दिन में खूब से खूब 200 मीटर लाइन बढ़ा है, उसके बाद जहां है वहीं पर खड़े हैं, हो सके कल सुबह तक लाइन क्लियर होगा। तो देख सकते हैं रोटी पक रहा है, दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोगों का दिन का चिकन बचा हुआ था तो हमने रोटी बना लिया, देख सकते हैं। तो आज हम लोग यही रात का खाना है हमारा, और पंकज भी आज दोनों का निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चिकन या क्या ही चाइना, दिन में बोले थे कि उंगली चाट के खाना पड़ेगा, सही बात है, इतना मस्त बना था। ये देख लीजिए चिकन पीस, ठीक है दोस्तों। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मेरा धर्मेंद्र का तो खाना हो ही चुका है,
तो शाम को टोकन भी हम लोग को मिल चुका है। ये देखिए इंडिया हमारा पास हो चुका है, तो ये टोकन के माध्यम से हम लोग नेपाल पार्किंग में जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि थोड़ा जाम लगा हुआ है, तो लगभग हम लोग 1.5-2 किलोमीटर का जाम में फंसे हुए हैं। तो दोपहर 2 बजे से एक ही जगह पे खड़ा है, लाइन अभी बढ़ा नहीं है। तो फिलहाल रात में यहीं पे गाड़ी में खाना ही बनाए थे, रोटी, बाकी दोपहर का तो चिकन वगैरह बचा हुआ था। फिलहाल एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा यूट्यूब फैमिली जो है वो 7000 का होने वाला है, तो उसमें मात्र 10 सब्सक्राइबर ही घट रहे हैं। मतलब 7K में मात्र 10 सब्सक्राइबर ही घट रहे हैं, तो हमारा 7K का पूरा फैमिली कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने शुरू से ही एक ट्रक ड्राइवर भाई को बहुत आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आप लोग ना होते तो आज हमारे पास 7K सब्सक्राइबर भी नहीं रहता। तो आज का वीडियो का कमेंट भी मैंने पढ़ा, उसमें अच्छा अच्छा कमेंट भी आया है। तो फिलहाल मैं 4-5 सब्सक्राइबर भाई का नाम ले रहा हूँ जिन्होंने रेगुलर मुझे सपोर्ट किया और अच्छा अच्छा कॉमेंट किए हैं। तो उसमें संजय डाबी, नवीन 29, दिशान ब्लॉक, मुमताज मिश्री, कृष्णा ट्राला ब्लॉक, हेमंत वर्मा और बिहार ट्रैक्टर ब्लॉक, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट किया और बहुत एक प्रेरणा देते हैं लोग, मोटिवेशनल कमेंट करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग इतना मोटिवेट और इतना हिम्मत देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि आने वाला हर दिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है और मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट पर वीडियो बना सकूँ ताकि समय के साथ मैं भी चल सकूं और एक अच्छा ब्लॉगर बन सकूं। क्योंकि जब मैं ट्रंकिंग ब्लॉग में आया हूं और ब्लॉगिंग कर रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं उस जगह पे पहुंचूं जहां पे सब लोगों का सपना होता है। तो फिलहाल रात काफ़ी हो चुका है, अब इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद।